जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी। विलासपुर आलियो औ धन्य ओई गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वाद आने तुआ सरिया साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम। विरासत का प्रतीक रण सिंघा भेंट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अद्भुत क्षण है ये माननीय प्रधानमंत्री जी। हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को 3,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एम्स का उद्घाटन किया। इस अस्पताल की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने ही वर्ष 2017 में रखी थी। पीएम मोदी ने 1,611 करोड़ के उद्घाटन और अन्य शिलान्यास भी किए। पीएम ने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का उद्घाटन किया। वहीं बद्दी मेडिकल डिवाइस पार्क और भारतमाला परियोजना के तहत पिंजौर से नालागढ़ के बीच बनने वाले 31 किलोमीटर लंबे 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का बिलासपुर से ही वर्चुअली शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी भाषा में अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, जय माँ नैना देवियरी, जय बजी बाबेरी। आज धन्य हो गया। आज मिंजू दशहरे इस पावन मौके पर माँ नैना देवियरा आशीर्वाद लेने का मौका मिलिया। कने एम्स री तुसा जो बड़ी बड़ी बधाई। बिलासपुर की पहचान हूं कहलूरा दी बंदले धारा उपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कने थल्ले एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में सिर्फ 3 राज्य हैं और उसमें हिमाचल को चुना गया है। हिमाचल वीरों की धरती है, मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे यहाँ का कर्ज चुकाना है। आज मेडिकल टूरिज्म का दौर है, हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। जब लोग विदेशों से उपचार कराने हिमाचल आएंगे तो आरोग्य होकर भी जाएंगे और यहां की खूबसूरत वादियां भी देखेंगे। हिमाचल के दोनों हाथों में लड्डू है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम लिया। इसे एक तरफ से जयराम के नेतृत्व पर मोदी की मुहर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान बिलासपुर के लुहणू मैदान में विजयदशमी पर रण सिंघा फूंककर विजय का शंखनाद किया। पीएम मोदी का सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर रहा। मोदी ने जयराम ठाकुर के कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क और पिंजौर नालागढ़ 4-लेन की आधारशिला भी रखी गयी। जय माता नैना देवियारी, जय बजिए बाबेरी। बिलासपुर आलियो औ धन्य ओई गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वाद आने तुआ सरिया साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम। कन्ने एम्स री बड़ी बड़ी बधाई। और आज जब बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था कि यहां पैदल टहलते थे, कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे।
और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी और ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम जहां पत्थर पड़े थे काम नहीं हुआ था। मुझे याद है मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था, आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी, 35 साल पहले निर्णय हुआ था, 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई, लेकिन ये तो हिमाचल का बेटा है, हिमाचल के भूलने से। लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकना लटकना भटकना वो जमाना चला गया दोस्तों। साथियों, राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साल 2014 तक हिमाचल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 2 सरकारी थे। पिछले 8 सालों में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हिमाचल में बने हैं। 2014 तक अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ सकते थे, आज ये संख्या 1200 से अधिक यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। एम्स भी हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। और मुझे जयराम जी की टीम को, जयराम जी को, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री और आरोग्य मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देनी है। अधर्म पर धर्म की विजय के इस महापर्व के अवसर पर विजयदशमी पूरा देश मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजयदशमी के दिन भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश को चुना है। आपको विजयदशमी की बधाई, आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा, एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम तेज रफ्तार के साथ एक और पूरा करवाने का काम, तो भनुपुली बिलासपुर का रेलवे लाइन का काम भी पूरी तेज गति से साथ किसी ने करवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया है। हमारे बिलासपुर को रेलवे लाइन हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर 4 लेन हाईवे, कीरतपुर से बिलासपुर का समय मात्र 30 मिनट रह जाएगा जो कभी 3 घंटे होता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हो पाया। नाहन हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया
ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है मेरे भाई और बहनों। कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके हिमाचल आने से सहज रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि हिमाचल आपके लिए क्या है, हिमाचल के लोगों के प्रति आपका स्नेह किस प्रकार का है। हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार के हमारे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो आप मंडी आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, केंद्र में आपके नेतृत्व में 8 साल की सरकार का कार्यकाल जो यशस्वी रहा वो कार्यकाल पूरा होता है, आप फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान में आकर के पूरे देश को संबोधित करते हैं। और आज जब विजयदशमी है, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर भी आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां बिलासपुर में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हम एहसान चुकता नहीं कर सकते, इन बातों को हम भूल नहीं सकते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। सारी बातें एक तरफ जब जिक्र आपका आता है तो सारी बातें छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, सिर्फ आप ही आप होते हैं दिल में भी और दिमाग में भी, ये मैं कहना चाहता हूं। ये हिमाचल की जनता की भावनाएं हैं। अभी हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके आए हैं, उद्घाटन की रस्म अभी होने वाली है लेकिन विजिट करके आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का ये अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को। और निश्चित रूप से ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी मुड़ मुड़ करके हमको, पीछे देखने के लिए हम कहां से शुरू हुए थे और किस नेतृत्व ने हमें संबल दिया, किस नेतृत्व ने हमें सहयोग दिया, किस नेतृत्व ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उसमें अगर किसी का जिक्र आता है तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि जहां ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन की रस्म और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी रस्म जो है उद्घाटन की पूरी होगी, और उसके साथ साथ में हम हिमाचल के लोगों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और हिमाचल के लोगों के लिए हमारी पिंजौर से नालागढ़ की जो 4 लेन, इनका भूमि पूजन भी आज आपके कर कमलों द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये सारे प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 3,653 करोड़ रुपए के हिमाचल के लिए आज विजयदशमी के अवसर पर हमको भेंट दे रहे हैं, तो प्रेम भेंट दे रहे हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, हिमाचल छोटा प्रदेश है और नेतृत्व केंद्र में जब पहले जो रहे कांग्रेस के नेतृत्व रहे या अलग रहे, उनके लिए हिमाचल की अहमियत बहुत छोटी होती थी, लेकिन आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा
छोटा हुआ तो क्या, लेकिन छोटे को प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा। वो प्यार आपने दिया है, वो अपने स्नेह दिया है हिमाचल हर कदम पर। छोटी घटना हिमाचल में होती है, छोटी सी घटना भी होती है, बस का एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री जी का संदेश आता है, सब ठीक है। बादल फटता है, क्योंकि हमारे जीवन यहां पर कठिनाइयों से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ है। कहीं घटना होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको संदेश आता है आपका, और आप हमसे सहयोग के लिए कहते हैं कि कोई मदद की जरूरत है तो जरूर बताएं। ये कहने में नहीं, आपने कहा कि हिमाचल मेरा अपना घर जैसा है, आपने व्यवहारिक रूप से इसको जो है वो साबित करके दिखाया है। इसका एहसान हमारे हिमाचल वासी कभी भी चुकता नहीं कर सकते। कहना आसान होता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से करके दिखाना, यह आपने करके दिखाया है। मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र करता, लेकिन समय की भी कमी है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने प्रयत्न किया है ईमानदारी के साथ इस हिमाचल प्रदेश देव भूमि को देव संस्कृति के अनुरूप जो है, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो है आगे बढ़ाने का, और उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हम सफल भी हुए। चुनौती बहुत बड़ी है, हमें ये सामान्य परिस्थितियों का ये दौर नहीं था, ना आपके लिए था ना हमारे लिए, क्योंकि कोविड जैसी एक परिस्थिति ऐसी बीच में थी जिसके कारण सारी चीजें एक तरह की बाधित हो गई, प्रभावित हो गई। लेकिन हौसला आपके चेहरे को देख करके मिलता था, और हौसला और भरोसा दो चीजें, और उसी चीज की बदौलत ये छोटा प्रदेश आगे बढ़ता गया। आज हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और विकास को और गति मिली है। आपके आशीर्वाद से केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सहयोग मिला है, कि प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और उनके पश्चात किसी प्रधानमंत्री ने अगर हिमाचल की सुध ली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां भी ग्रो करना चाहिए, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम है। आपने बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हम हिमाचल वासियों को दे करके एक बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है, और जिस बल्क ड्रग फार्म में आने वाले समय में हजारों नौजवानों को रोजगार की संभावना है, केंद्र की ओर से 1,000 करोड़ रुपए की आपकी उसमें मदद मिलेगी। हम कल्पना नहीं कर सकते इन सारी चीजों के लेकर। हम आपकी आशा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे, और जहां अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि रिवाज बदलने की बात की चर्चा हिमाचल में आजकल के दिनों में काफी जोर से होती है, और ये रिवाज हिमाचल में तो हम बदलने की बात अब कर रहे हैं, आपने तो पूरे देश भर में रिवाज बदल दिया। जहां भाजपा की सरकारें कभी होती नहीं थी, वहां भाजपा की सरकारें हैं। जहां भाजपा की सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्षों के बाद फिर सत्ता में वापिस नहीं आ पाती थी, वहां फिर जो है रिवाज बदल करके आपने वहां पर उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को फिर जो है सत्ता में लाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब की बारी हिमाचल की भी है, हमने भी हिमाचल में तय किया है, हम भी अब की बार इस रिवाज को बदलेंगे। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए आपका स्नेह, आपकी शुभकामना चाहिए। ऐसी मैं बात करते हुए, हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व हिमाचल को, इतना बड़ा सम्मान हिमाचल प्रदेश में, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, यही जमीन है वो, यही माटी है जहां जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजारा। ये बिलासपुर वही बिलासपुर है, आज अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, छोटा प्रदेश लेकिन आपने जो जगह दी है, दिल में भी दी है और हर तरह से हिमाचल वासियों को दी है, उसके लिए मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज विजयदशमी के अवसर पर आप यहां पधारे हैं, आपका एक बार फिर से अभिनंदन, और सभी भाई बहनों को आज के विजयदशमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐतिहासिक बात आज ये भी होने वाली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का मेला कुल्लू में होता है, उस कुल्लू के मेले में भी देव दर्शन के लिए और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा
के दर्शन करने के लिए वहां भी जा रहे हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ करके निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने, इसके लिए आपका आशीर्वाद सदैव मिला है और आने वाले समय में भी आशीर्वाद के साथ इसको हासिल करेंगे। इतनी बात कहते हुए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।